हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने कर रहे हैं क्लास टेंथ के लिए लेसन नंबर 10 चल रहा है अपना इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अपनी जो करंट है उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। अपनों ने कर लिया था पीछे विद्युत धारा, विद्युत विभव सब कर लिया था, प्रतिरोधों का संयोजन तक पढ़ लिया था। अब रहा है अपना टॉपिक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के अंदर चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड है या मैग्नेटिक इफेक्ट है अपना, वो कैसे रहता है, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने चुंबक के बारे में। तो चुंबक के बारे में सबको पता होता है किस टाइप से एक चुंबक अपने लेते हैं। एक साइड एन सिरा होता है और दूसरे साइड एस ध्रुव होता है। सिरा नहीं, ध्रुव बोला जाता है इसको, एन ध्रुव और एस ध्रुव, इसके ना दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। यदि मतलब दो चुंबक है अपने पास, इस साइड एन सिरा है, अपने क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मान लो अपने पास कोई चुंबक है, ये एन साइड है, ये एस साइड है। इसके अगर एक एन साइड को एन साइड की साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि सेम जो ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और यही अगर इस साइड एन और इस साइड एस होता चुंबक में, तो क्या होता, ये एन और एस आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते। तो जो मतलब अलग अलग जो ध्रुव हैं, एन ध्रुव एस ध्रुव को आकर्षित करेगा, और एन ध्रुव है अगर एन ध्रुव के पास लेके जा रहे हैं, तो उन दोनों में क्या होगा, अपने जो है प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इन सब प्रयोगों के बारे में बात की है ओरेस्टेड ने, कब की थी, सन 1820 में। ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रयोग किया था, तो आज अपने उस प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि अपना जो विद्युत परिपथ है ना, उसके अंदर अपने जो चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय रेखा जो क्षेत्र है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो देखो, जिसमें एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। आपको पता है कि अपनों ने पहले बात की थी कि तार कौन सी होनी चाहिए, चालक ही होनी चाहिए, जिसमें क्या हो, विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। तो चालक तार लिया अपनों ने, तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होता है देखो, और इसी कारण चालक के निकट रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित का मतलब समझो, यहाँ पे विक्षेपित मतलब इस टाइप से कोई सुई है अपने पास यहाँ पे, तो ये इधर साइड या इधर साइड जो है मूवमेंट करने लगती है, हिलने लग जाती है, तो वो क्या हो गया, मतलब अपने कह देते हैं कि सुई जो है वो क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है। और ओरेस्टेड के प्रयोगों को निम्न द्वारा हम समझते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने एक विद्युत परिपथ दिखाया हुआ है, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ देखो, सबसे पहले ये है अपना कंपास, इस टाइप से होता है ये गोल, और बीच में क्या होती है इसके, एक मैग्नेटिक सुई लगी होती है। इसका एक सिरा एन और दूसरा साइड क्या है, इस किसको दर्शाता है, अपने एस को दर्शाता है। ये भी एक जो है चुंबक से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये अपने ना एक प्रयोग लिया इन्होंने किया, एक विद्युत परिपथ बनाया जिसमें क्या जोड़ दी, बैटरी हो गई, कुंजी हो गई, प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है, और साथ में पी और क्यू एक क्या लगी, एक छड़ चुंबक लगा दी, ठीक है। तो इसके पास क्या था, एक कंपास था। तो जैसे ही इस कंपास को लेके आए, देखो इसमें डॉट नहीं लगा हुआ, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, इसके अंदर डॉट नहीं लगा हुआ, तो डॉट नहीं लगा तो मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अगर धारा मतलब पूरे का पूरा सिस्टम ही बंद पड़ा है, पास में चुंबक पड़ी है, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो इसको इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे नीचे पॉइंट भी दिए हुए हैं इसके, देखो ये चित्र 10.9A में, अपने अभी 10.9A जो डायग्राम है वो देख के आए हैं कि जब चालक में कोई धारा नहीं बहती है, क्योंकि उसमें जो अपनी कुंजी थी वो पूर्ण रूप से उसमें डॉट नहीं लगा हुआ था, मतलब वो कुंजी लगी हुई नहीं हुई थी, तो मतलब वो परिपथ अपूर्ण था, तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं रहता, फलस्वरूप चुंबकीय सुई अविक्षिप्त अवस्था में रहती है। यहाँ पे जो चुंबकीय सुई है ना, वो ये देखो यहाँ भी दर्शा रहा है, इसके अंदर एक सुई है इस टाइप से, तो ये क्या है, अपनी चुंबकीय सुई है। और विक्षेपित का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जब चुंबकीय जो सुई है इसके अंदर मूवमेंट करती है, दाएं बाएं जाती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं कि चुंबकीय सुई क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है, तो यहाँ पर विक्षेपित नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा डायग्राम देखो, इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम है अपना, ये सेम है, बैटरी लगी है इसमें, दोनों को अपना तुलनात्मक रूप से देखते हैं, इसमें बैटरी लगी है, इसमें बैटरी है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, अपनी बैटरी के बाद बैटरी है, उसके बाद क्या आ गया, कुंजी है, प्रतिरोध हो गया, छड़ चुंबक हो गई, और साथ में क्या रखा हुआ, अपना कंपास रखा हुआ है। कंपास किससे बना होता है, चुंबक से बना हुआ होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो गया, यहाँ इन्होंने कोई डॉट नहीं लगा था, यहाँ क्या कर दिया, एक डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब आपको अच्छे से पता है कि अब इस परिपथ में क्या हो रही है, धारा का प्रवाह हो रहा है। ये देखो एक साइन दिया हुआ है इस टाइप से, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या किसका प्रवाह हो रहा है, आई का, धारा का प्रवाह हो रहा है।
जैसे ही प्लस से माइनस की ओर जाती है आपको पता है, तो किस चार टाइप से जाएगी, इस टाइप से इसका हो जाएगा प्लस से माइनस की ओर। अब देखो जैसे ही धारा आई का प्रवाह शुरू हुआ तो चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित हो रही है। देखो पहले यूं सीधी थी, उसके बाद कहाँ मुड़ गई, इस टाइप से मुड़ गई चुंबकीय सुई। ठीक है, देखो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है, पहले तो इसकी ये थी सीधी दिशा ऊपर वाले इसमें देखो, उसके बाद क्या होगी ये होगी, थोड़ा सा ये चुंबकीय सुई जो क्या हो गई विक्षेपित हो गई, और इसके विक्षेपित होते क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न हो गया परिपथ के। देखो इसको समझो उन्होंने क्या बोला है कि चित्र पॉइंट 10.9b जो अभी अपनों ने देखा है वो है ये डायग्राम, कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, देखो डॉट लगा था तो क्या था इस टाइप से कुंजी में अपनों ने डॉट लगा दिया, मतलब क्या हो रहा है धारा का प्रवाह हो रहा है, तो तार के चारों ओर क्या हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये अपनों ने तार मान रखा है इसको, तो इसके चारों ओर क्या हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और देखो और चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, क्या हो जाती है चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, मतलब दाएं से बाएं की ओर यूँ हिलने लग जाती है, इस टाइप से सुई है इस टाइप से डायरेक्शन हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी तो वो हिलने लग जाएगी। ठीक है, मतलब क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब देखो तीसरा डायग्राम, इन्होंने एक तीसरा प्रयोग और किया, इन्होंने क्या किया विद्युत धारा की दिशा ही बदल दी। देखो इसमें बैटरी देखो कैसे लगी हुई है ये देखो, और इसमें कैसे लगी हुई है, धारा का प्रवाह तो प्लस से माइनस की ओर होता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर धारा का प्रवाह होगा, जैसे ही प्रवाह होगा तो अपने क्या कहे इसमें इन्होंने चुंबकीय धारा की दिशा ही बदल दी। अब दिशा पहले यूं थी, अब क्या होगी ऊपर की तरफ होगी, तो चुंबकीय सुई भी उसी ओर विक्षेपित हो जाएगी। देखो मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा, और अगर साउथ है उसकी जगह पे नॉर्थ की जगह पे तो वो दूसरे को एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो इसीलिए अपने इसके कंपास में जो अपने चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो रही है, लेकिन वो किस में रही है, पहले ये दिशा थी अब दिशा इसमें चेंज हो गई। तो ये थे अपने ऑरिस्टेड के प्रयोग, इन्होंने तीन डायग्राम के थ्रू अपने को प्रयोग के द्वारा समझाया है कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है। देखो अब डायग्राम इसमें देख लो, अपनों ने अभी जो डायग्राम देखा उसकी बात हो रही है कि यदि धारा की दिशा विपरीत हो तो चुंबकीय सुई की विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है बदल जाती है, अपनों ने अच्छे से देख लिया। अब देखो चालक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई का विक्षेपित होना इस बात को व्यक्त करता है कि चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। देखो पहले तो यूं थी, फिर इस साइड हो गई, ठीक है, फिर मान लो इस साइड हो गई, तो वो चुंबकीय सुई क्या हो रही है बार बार हिल रही है, जब अपने क्या हो रहे हैं धारा आई का उसमें प्रवाह हो रहा है, तो उससे क्या हो गया कि चालक में क्या हो, इस वजह से क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो चालक तार में धारा का बढ़ाने और चुंबकीय सुई को चालक के निकट ले जाने पर उसमें विक्षेप बढ़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब, तो अपना ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब अपने कर रहे हैं नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से एक परिपथ में अपने उत्पन्न कर सकते हैं धारा के माध्यम से, वो अपनों ने समझ लिया। अब बात करेंगे कि उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दिशा भी तो अपने को पता होनी चाहिए कि किस साइड में अपने जो है धारा का प्रवाह हो रहा है और किस साइड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए देखो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या दिए गए हैं, दो नियम दिए गए हैं। तो सबसे पहला नियम है दक्षिणावर्ती पेच का नियम। पेच यहाँ पे क्या है, एक टाइप से कील है, यूँ होती है जो ऊपर से क्या होता है इसका सरफेस चपटा होता है और नीचे से ही क्या होती है नुकीली होती है। ठीक है, तो इस पेच की बात हो रही है, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दक्षिणावर्त मतलब इसको किस साइड घुमाया जाएगा, दक्षिण की ओर घुमाया जाएगा। देखो इन्होंने आगे डायग्राम भी दिया हुआ है, इन्होंने बोला कि इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्ती पेच को इस प्रकार वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है। ये देखो ये रहा अपना पेच, इसको कैसे घुमा रहे हैं अपने वृत्ताकार दिशा में घुमा रहे हैं, तो पेच की जो नोक है वो किसको विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय दिशा को व्यक्त करेगी। देखो जब इसको अपने वृत्ताकार पथ को जैसे घुमा रहे हैं ना, इस टाइप से घुमा रहे हैं इसको इस टाइप से, ठीक है, तो क्या होगा इसकी जो नोक है, ये देखो पेच की जो नोक है ये नोक किसको बताएगी विद्युत धारा की दिशा को, और घुमाने की दिशा में क्या बताएगी चुंबकीय दिशा को व्यक्त करेगी। तो ये क्या हो जाएगा अपना दक्षिणावर्ती पेच का नियम हो जाएगा। सिंपल सा है, सिर्फ दो ही चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। उसके बाद इन्होंने बोला है दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण हस्त देखो इसमें क्या है अपने पढ़ते हैं, इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को दाहिने हाथ में कौन से हैंड में हाथ में पकड़ना है आपको, उसको राइट हैंड में लेना है। तो राइट हैंड में जिससे ही आप उसको पकड़ोगे तो
पकड़ने से आपको देखो इस डायग्राम में दिखा रखा है कि किस टाइप से उसको पकड़ना है। अंगूठा क्या है? नीचे की ओर। अब देखो एक ये चालक है अपने पास, इसको पकड़ रखा है, तो अंगूठा क्या है इसमें? नीचे की ओर है इस टाइप से, ठीक है। और उंगलियां क्या है? यूं इस टाइप से, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है? अंगूठा क्या दिखाएगा? धारा की दिशा। ये जो अंगूठा है नीचे की ओर है, तो धारा की दिशा क्या होगी? नीचे की ओर। और चुंबकीय जो मुड़ी हुई उंगलियां, ये देखो ये मुड़ी हुई उंगलियां ना, इस आपने क्या किया हुआ है इस टाइप से इसको कुछ पकड़ा हुआ है, अंगूठा नीचे की ओर है और उंगलियां इस साइड से मुड़ी हुई हैं, तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां वो किसको दिखाएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। ये है अपना दक्षिण हस्त का नियम। अब आगे देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखांश ये करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अपना उतना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अपनों ने क्या क्या कर लिया इसमें देखो, इसमें अपनों ने कर लिया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों के बारे में अपनों ने पढ़ लिया है। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।